नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। हाल ही में फिल्म ओ माय गॉड 2 का टीजर रिलीज किया गया, इसको लेकर विवाद सामने आ रहे हैं। तमाम अटकलें और विवाद की खबरों के बीच महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारियों ने भी फिल्म को लेकर आपत्ति ली और फिल्म निर्माता निर्देशक को चेतावनी देते हुए फिल्म रिलीज से पहले सभी आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के लिए कहा है। फिल्म ओ माय गॉड 2 को सेंसर बोर्ड ने रिलीज करने का सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। वहीं फिल्म को रिव्यू कमेटी के पास भेज दिया गया है। इससे पहले आदिपुरुष आई और डायलॉग्स के चलते विवादों में रहने के बाद फ्लॉप हो गई। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म ओ माय गॉड 2 को लेकर कई संस्था विरोध दर्ज करा रही हैं, जिसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाने की बात कही गई है। इस बात को लेकर महाकाल मंदिर के पुजारी भी नाराज नजर आ रहे हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी महेश शर्मा ने विरोध दर्ज कराते हुए फिल्म डायरेक्टर और निर्माता को चेतावनी देते हुए महाकाल मंदिर का फिल्म की कहानी में विवादित शॉट या भगवान शिव को लेकर डायलॉग को फिल्म की रिलीज से पहले हटाने का कहा है। महेश पुजारी ने कहा कि फिल्म रिलीज होने के बाद सनातन धर्म से जुड़े विवाद सामने आए तो महाकाल सेना इसका जमकर विरोध करेगी। इससे अच्छा होगा कि पहले से सभी आपत्तिजनक सहित डायलॉग और शॉट हटा लिए जाएं, या फिर रिलीज से पहले साधु संतों को फिल्म दिखाकर फिल्म रिलीज की जाए। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।